जय श्री श्याम दोस्तों, आज हम एक बैलून पैंट की, जो जोधपुरी पैंट भी कहलाती है, उसकी कटिंग करने जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर पहले अपने एक लाइन बना के, लाइन खींच के, और एक अपन सबसे पहले जो इसमें मार्क लगाएंगे, वो सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींच लेंगे अपन। फिर इसका जो हिप की नाप है वो 38 इंची है। 38 इंची का अपन 9.5 इंची आसन उतारेंगे। उसके बाद में घुटने की नाप लगाएंगे अपन, 9.5 का डबल, और फिर लेंथ का निशान लगा देंगे। इसी तरीके से आगे लाइन एक एक हमारी को लगा लेंगे और इनकी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे अपन। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में सबसे पहले अपन इसकी जांग की ना मार्क लगाएंगे। जो इसका 26 इंची जांग है, उसमें 13 इंची सामने पे मार्क लगाएंगे, और 1.5 इंची अपन अपनी चैन का जो मार्क आएगा वो लगाएंगे। और अब बैलून के लिए अपन निशान लगा रहे हैं, नीचे से 2.5 इंची रखेंगे, घुटने पे से 2 इंची रखेंगे, और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक। उसके साथ ही आगे अपन मोरी का मार्क लगा लेंगे, जो 13.5 इंच है उसका आधा, घुटना जो इसका 17 इंची है उसका आधा इंच आधा, और पुट्ठे पे सामने की तरफ अपन सीधी लाइन बना लेंगे अपन। ऐसे अपन गिदरी वाले शेप में सीधी की सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये जो इसकी पिंडी जो 16 इंची थी, वो अपन बीच में मार्क लगाएंगे अपन। और ये ऊपर जो अपन मार्क लगा रहे हैं, ये बैलून का शेप दे रहे हैं अब अपन पैंट में। ये बैलून का शेप आ जाएगा राउंड वाले स्केल से गोलाई की तरफ। ये ऊपर जांघ का निशान जो लगाया है अपन वहाँ से कर देंगे, और सामने जो अपन ने 1.5 इंची कम मार्क लगाया है वो अपन चैन वाला मार्क लगा देंगे। और इसकी जो कमर है 35 इंची, उसका मार्क लगाएंगे अपन। सामने की तरफ आधा इंची डाउन कर देंगे चैन चैन वाले हिस्से की तरफ से। अभी बैलून पैंट में क्या, सामने क्रॉस पॉकेट बनती है, ऊपर से क्रॉस जो जींस में बनती है, ये ब्रिजेश वाली पॉकेट होती है, उस वो उसका मार्किंग लगाया अपन ने। ये बैलून पैंट की मार्किंग हुई अपनी, इसके अपन सामने को काट लेंगे। अब मार्किंग पे जो अपन ने मार्किंग की है उससे हम उसी पे अपन पैंट को काटेंगे। जैसे जैसे मार्किंग कर रखी है वैसे वैसे इस पैंट को अपन मार्किंग के ऊपर काटते जाएंगे अपन। दोस्तों, ये पैंट जो होती है नीचे से घुटने के नीचे वाले हिस्से जो होता है इसमें फिटिंग रहती है बिल्कुल, तभी इसमें बैलून दिखता है अपन को। बैलून पैंट जो होती है ये ब्रिजेस की सब्स्टिट्यूट है ये। अपन चाहें तो इस राउंड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इतना राउंड तो चाहिए चाहिए बैलून पेंट में। अब कपड़े को पलट के और सीधा अपन बिछा लेंगे, जो राउंड वाला शेप है वो अपनी तरफ कर लेंगे। सामने वाले से वो कपड़े भी बिछा लेंगे अपन।
ये जो अपने सामने वाला हिस्सा है इसमें बैक बैक काटने जा रहे हैं, तो बैक में करीबन पौनी इंची ऊपर बैक बड़ी रखेंगे अपन। जांघ के यहाँ से 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, घुटने पे से 1.25 इंची, पिंडी से 1 इंची और मोरी से 1 इंची, क्योंकि मोरी पिंडी और घुटना फिक्स नाप आता है, जांग पे 1 इंच की ल्यूजिंग चलती है। ऊपर जो अपनी कमर है 35 इंची, इसका 1.25 इंची अपने 1.5 इंची प्लेट का निशान लगा देंगे, और हिप जो इनके 38 है तो सामना जितना है सामने को छोड़ के बाकी जो 38 में बच रहा है वो हिप का निशान लगा के अपन यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। क्रॉस में ये लाइन क्रॉस में रहेगी, और जो जांग वाला हिस्सा है वहाँ से अपन राउंड कर देंगे। सामना जो कटा हुआ है अपना उसके बराबर अपन बैक वाले हिस्से को काटेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर। बैक का जो मार्जिन छोड़ते हुए अपन बैक का निशान काटेंगे, थाईज में अपन कपड़ा है तो अपन मार्जिन छोड़ देंगे और नहीं है कपड़ा तो बराबर रख देंगे।